ग्रेट मिस्टर का रोल भी हाथ ऊपर किया एकदम लास्ट मेरे हाथ जिनको दे रहे आपके बाजू में जो बच्चा लेके बैठे ना बैग लेके बैठे हाँ उन्होंने हाथ नहीं ऊपर किया चलेगा क्या आपको नहीं अच्छा लगा हाथ ऊपर कर रहे आप ही हाँ जरा हाथ ऊपर करके दिखाओ ना मुझे आपका हाथ भी दिखना चाहिए हाँ वेरी गुड तो मैं टिक मार्क करता हूँ चलो वेरी गुड टिक मार्क किया इसको भी अभी तीसरा है कि ईजी है क्या करने को ये करने को ईजी है क्या अभी कोई भी बिजनेस चालू करना है तो पैसा लगता है जेब में बहुत सारा पैसा और यहाँ पे मैंने देखा कि कंपनी ने 750 से ज्यादा सर शॉपिंग चालू करके रखी है काश्मीर टू कन्याकुमारी बम्बई टू गुवाहाटी कंपनी ने जहाँ पे पैसा डालना पड़ता है वो काम ऑलरेडी कर दिया है हमको सिर्फ धंधा लाके पैसा कमाने का काम करना है दूसरी बात सबसे बड़ी बात क्वालिफिकेशन आप कितना लिखे पड़े पूछूंगा नहीं जरूरत ही नहीं है अंगूठा छाप भी कर सकता है और वकील डॉक्टर इंजीनियर मेरे जैसा सारे लोग कर सकते हैं तीसरी बात मैंने सबसे बड़ी बात की वो जैसे मेरी बहन आती थी और अगर बोलती थी वो मुझे वृंदावन जी कि आपको जॉब छोड़ के 1.5 लाख जहां मिल रहा है वो छोड़ के करना है ये डाय का मैं मरा गया जड़ा नहीं मैं कुछ भी कर सकता हूँ कर्जा ले सकता हूँ रिस्क नहीं ले सकता मराठी में तो बहन बोली भाई जॉब चालू रख के करना है तो मुझे तो ऐसा लगा मानो कि ये तो क्या गाजर की बीन है बजी तो बजी नहीं तो तोड़ के खाली बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा पैसा मिलता है क्या हाँ मिलता है ना और हर बुधवार को आता है सर जाने दो ना पीछे जाके बैठो ना किधर को वो सच अपने ही लोग हैं यार आप किधर भी बैठेंगे तो आपको तो मेरे से भी ज्यादा मालूम है तो ये पैसा मिलता है क्या तो एक हमारी कंपनी है सर जी आपको बोलता हूँ लॉकडाउन में भी पैंडेमिक में भी हमारी कंपनी हर बुधवार को पेमेंट देती है वो बुधवार का कभी गुरुवार किया नहीं बहुत अच्छा एकदम जबरदस्त मुझे तो बहुत इजी लगा आपको क्या लगता है इजी है कि बहुत इजी है बहुत इजी है मैं इसको भी टिक मार्क करूं हाथ उठा के देंगे वेरी गुड थैंक यू तो इसको भी मैं टिक मार्क कर तीन हो गए चौथा चीज है वो है एजुकेशन सिस्टम क्योंकि संतोष जी की बैकग्राउंड प्रणीता मैडम से अलग होगी प्रणीता जी की बैकग्राउंड अंबू से अलग होगी अंबू जी की बैकग्राउंड लकी से अलग होगी यह 16 साल का 17 साल का बच्चा है और कुलकर्णी साहब एकदम अच्छे 50+ है करेक्ट है ना तो माने कोई भी कर सकता है मैंने बोला लेकिन सबको सीखने की कुछ जरूरत है ना आप लॉयर बने तो पहले LLB LLM कुछ तो बने होंगे फिर लॉयर बन सकते हैं ऐसे तो लॉयर नहीं बनते वैसे मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया तो कुछ तो किया फिर बना तो इसकी वजह से इधर भी कुछ सीखना पड़ेगा ना सिखाने वाला कोई है क्या ऐसे मैंने पूछा था और जो जवाब आया था मैं एकदम एक्साइटेड हो गया था मेरी बहन ने बोला था भाई अपनी एकमात्र इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिनके पास खुद की प्रोफेशनल रजिस्टर्ड पैन इंडिया चलने वाली मल्टीलिंगुअल मल्टीफैसेट एजुकेशन सिस्टम है जिसका नाम है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी बहुत ही अच्छा लगा था और ये कंपनी रजिस्टर कंपनी है और ये कंपनी हमको 3 प्रकार के ट्रेनिंग देती है और ये ट्रेनिंग की वजह से मैं सक्सेसफुल हो गया ये ट्रेनिंग की वजह से मैं सक्सेसफुल हो गया आप भी हो जाओगे लेकिन आजकल का दौर ऐसा चल रहा है कि ट्रेनिंग लेने को भी किसी को वक्त नहीं है दिया तो भी तो उनके लिए हमने खास एक ऑनलाइन सिस्टम का निर्माण किया माई डिजी वर्ल्ड जो कि आपके घर में आके आपके टाइम पे आपकी लैंग्वेज में आपको हम ट्रेन करते हैं 0 to 0 कैसे बनने का उसका नाम है माई डिजी वर्ल्ड और हम उसमें सर्टिफिकेशन भी देते हैं आपको हम सर्टिफिकेट देते हैं सर्टिफाई करते हैं आप बहुत अच्छा लगा मुझे ये मैंने वक्त एक भी सिस्टम नहीं किया आज दो दो सिस्टम है प्रणीता मैडम आपके लिए बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है अभी पांचवी थी वो थी इम्पोर्टेंट कि मैनेजमेंट कैसी है कुलकर्णी साहब माने बाहर जाएंगे ना तो आपको मिलेंगे बहुत लोग मिलेंगे अरे कौन है अरे मीपन पेलो मीपन टाकलो दे पैसे कंपनी से बोल होता है ना ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है सर मैं अगर मेरी जिंदगी दाव पे लगा रहा हूँ तो कंपनी ने भी अच्छी होनी चाहिए ना कंपनी से बोला पैसे कटेंगे तो डर लगता है लेकिन इसकी देखी मैंने हमारे आज CXO जो बोलते हैं उनको 170 साल से ज्यादा हमारा क्या बोलते हैं इसको डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां चलाने का अनुभव है और हमारी विजन है सर हम इंडिया में ऑलरेडी नंबर 1 है
हमारी विजन है पूरी दुनिया के नंबर वन बनना है। उनके बाजू में जो बैठी है उनकी बेटी है, वो बोलते है ग्रेजुएशन करने के बाद काय के लिए, चाकरी करने का, नौकरी करने का, यही कर, इसके जैसा करियर नहीं है। अभी छठवीं एक बाकी रहेगी, वो है कि अरे इसपे सॉरी इसको मैंने मार के नहीं गया, मैंने आपको बिना बोले मार दिया, आपकी अनुमति है कि आपको भी लगता है सिस्टम अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छे, मैं इसको भी मार करूं, आपकी अनुमति है अनुमति मैडम मेरा हाथ उठाओ ना, अनुमति है, हाँ हाँ दोनों, वेरी गुड, तो मैंने इसको भी टिक मार दिया, वेरी गुड, पांच हो गए छह में से। छठवा बाकी है, वो है अट्रैक्टिव बिजनेस प्लान। मैंने अभी दो चीजों के मैं जवाब दूंगा कि मुझे क्या करना है और मुझे मिलेगा क्या, मैंने इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्या है, आगे वाले पाँच सात मिनट जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से सुनना, मुझे क्या करना पड़ेगा और मुझे मिलेगा कितना। आज जिसको भी अगर बिजनेस चालू करना है किसी को, तो सोचने के बाद थिंकिंग के लिए, माने थिंक माने सोचने के बाद खुद का बिजनेस चालू करने को कितना टाइम लगता है करीबन, आपने बहुत पैसे देखे होंगे, है ना, सोचा मैंने कुछ धंधा चालू करने का और एक्चुअल चालू हो गया, इसमें कितना टाइम लगा है, छह आठ महीने तो आराम से निकल जाते हैं, दुनिया भर के लाइसेंसिंग ये वो सब करो फिर हो जाए। लेकिन हमारा बिजनेस सर कुलकर्णी साहब आज अपनी इनको बोला कि मुझे करना है, तो आप इधर से घर पे जाने के पहले बिजनेस ओनर बना के आपको घर पे भेजेंगे, आप अपने ऑफिस को देख के बिजनेस ओनर बन के घर पे, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू डाइवर्सिफाई, एकदम जबरदस्त, बहुत अच्छा लगता है ना, क्या पेन डिजिट आईडी मिलेगा वहां से आप बिजनेस कर पाओगे इसका, और ये कैसे करने का है एक आइडिया है, क्योंकि तो मैडम आप घर में सामान लाती है हर महीने का, वहां से लाती है डीमार्ट है ना, माने आधा घंटा सामान लेने को फिर एक घंटा लाइन में, लेकिन क्या करे वो छाप के देता है बिल पे, आपने इतना बचाया। अभी आपको मैं सवाल करता हूँ, आप जब भी सामान लेते हो उधर से कितने का लेते होंगे, चार पाँच दस हजार का सामान लेते हर महीना, अभी वो सामान लेने के बाद कौन बड़ा होता है, प्रणीता मैडम की डीमार्ट का होना, वो होता है, मैं तो सामान लेके आती हूँ, उसने हजार करोड़ का घर लिया लॉकडाउन में मलबा हिल में, हजार करोड़ पैसा हंसता रहता ना वो हमेशा, हाँ एकदम जबरदस्त, और प्रोडक्ट तो लेने पड़ेंगे आपने, तो प्रोडक्ट लेने से बाद में मैंने हम लोग नहीं आ सकते, वो तो लेना ही पड़ेगा, आपने कभी सुना है बूंद बूंद से बनता है सागर, सुना है, तो बूंद तो डालना ही पड़ेगा जो आज डाल रही है पांच हजार दस हजार का, लेकिन सागर उसका बन रहा है वो, ये महीने से आप अगर चाहो तो सागर भी अपना बना सकते हो अपने प्रोडक्ट यूज करने, कोई भी आदमी कर सकता है इसे, सारे प्रोडक्ट अपने को जरूरत माने जरूरत वाले है ना। अभी ये प्रोडक्ट का क्या होता है, ये प्रोडक्ट सारे डिस्काउंट में मिलते हैं, 10 से 40 तक का डिस्काउंट 24 घंटे 12 महीना ऐसे मिलता है ना, तो अभी ये प्रोडक्ट डिस्काउंट में मिले आपको, आप घर पे लाए आप डिस्ट्रीब्यूटर भी बन गए, तो इसको पहली चीज आपको सारे प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को या प्राइस पे आए तो ऐसे छह प्रकार के बेनिफिट देती है कंपनी, कैसे एक रिटर्न इनकम देती है, फिर परफॉर्मेंस सॉरी सेक्शन और बोनस देती है, फिर परफॉर्मेंस बोनस है, फिर क्रैंक इनकम है, रॉयल्टी है, लॉयल्टी बहुत कुछ है ना, और ये बोनसेस कैसे मिलते हैं वो अभी मैं समझाऊंगा आपको। पहली चीज रिटेल टू माने रिटेल प्रॉफिट, माने आपने लाया एक प्राइस पे अब्दुल जी और उसको आप बेच के प्रॉफिट कमा सकते हो। मेरे पास ऐसे लोग हैं जो चौल सिस्टम में रहते हैं कंज्यूमर वगैरह एरिया में, और आज तक उन्होंने 35-36 लाख के प्रोडक्ट घर से बेचे हैं, और आज रुनवाल का टावर हो रहा है उनके बाजू में, रुनवाल ब्लिस करके, यहाँ पे 19वें माले पे खुद का फ्लैट भी बुक किया है, ये बिजनेस है। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त,
मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी एक बोनस हो गया जो आप कभी नहीं कमा सकते बाहर से डीमार्ट के प्रोडक्ट लेके, लेकिन दूसरा बेनिफिट है वो भी, कितने लोग हैं जो ज्यादा पैसा कमाना चाहेंगे मैकडोनाल्ड जैसा, चाहेंगे चाहेंगे ऑब्वियसली चाहेंगे, है ना। तो मैं किसी का एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ, कुलकर्णी साहब आपका एग्जाम्पल चलेगा। आप इसमें जो है ना कि फ्रेंचाइजी करके चालू किए और फ्रेंचाइजी दे भी सकते, जैसे मैंने पहले बोला ना जो प्राइवेट फ्रेंचाइजी, वैसे आप उसको फ्रेंचाइजी दे सकते हो किसी। अगर मुझे बोलना है कि आपको चार फ्रेंचाइजी देनी है किसी को, तो कौन चार है जो पहले आप चुनेंगे आपके एकदम खास फ्रेंड्स रिलेटिव कोई भी, ऐसे चार नाम दे सकते हैं आप? फॉर एग्जाम्पल मिसेस है, लड़की है, साला है, साले को कभी छोड़ने नहीं। साला माने वाइफ का भाई ना, और बोलते हैं ना वो एक तरफ दुनिया और दूसरे तरफ जोरू का भाई। साले को छोड़ा और बाद में हमने पैसा कमाया तो बीवी अपने को छोड़ती नहीं, साले को नहीं छोड़ती। और चौथा भाई, सब हो गया, अपने घर में चार होते हैं ना। ये चारों को हमने बताया, कैसे बताया वो माने क्या बोलते उसको सिस्टम। जैसे आज आपको लाया, कितना किसने लाया, इन्होंने लाया, करेक्ट है। पर काम कौन कर रहा है यहाँ पे? बैठे मैं उनको बोलना पड़ा, अरे बैठना होगा, वो तो जा रहे थे। इतना आराम से अभी चार लोगों को अभी जाके बात करना चालू किया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, उनको समझेगा नहीं, क्योंकि एक डेढ़ घंटा जो आप देखेंगे एक मिनट में समझाने की कोशिश करेंगे, समझेगा नहीं पूरा। तो क्या करना है ये भी समझा सकते थे घर पे, लेकिन इन्होंने आपको घर से इधर बुलाया, मुझे भी बुलाया ऊपर कराने से, शांति से बैठे बीच में फोन लेने को जा रहे, इधर आ रहे हैं और उनका काम हो रहा है। वैसे ही ये चार लोगों को इधर बैठाने का, लेकिन बाहर नहीं जाने का, उनके साथ बैठने का, कोई तो काम करेगा, फायदा आपको है। ऐसे करते ही एक जगह चाय पिया अच्छा लगा तो चार लोगों को लेके जाती है, जाती है कोई इधर आने का से। तो ये किया मैंने, माने क्या उनको चार लोगों को लाया, चार में से तीन लोगों को पहला लाया, वो क्या करेंगे प्रणीता मैडम, वो लोग भी प्रोडक्ट लेंगे जो आपने दिया, 10 से 30 हजार के कोई भी प्रोडक्ट लेंगे। अब ये प्रोडक्ट लेने के बाद कंपनी आपको थैंक यू बोलते कुलकर्णी साहब, और फ्राइडे नाइट को माने आज ही रात को, इसीलिए तो एक्साइटेड है मैं, आज ही रात को 12 बजे धंधे का क्लोजिंग होता है दोनों साइड का, और दोनों साइड कितना धंधा हो गया आपको कंपनी देखती है, और दोनों साइड का मैचिंग करके आपको 12% आपके अकाउंट में डाल के दो बुधवार जाने के बाद तीसरे बुधवार। किसी को लाए बगैर भी आप कमा सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा किया तो आपको ज्यादा फायदा होगा, ये बोल रहा हूँ। अभी ये किया उन्होंने तो आपकी जैसी टोटल हो गई थी मैचिंग की, वैसे उनकी मैचिंग अगले फ्राइडे हो जाएगी, उनका भी 10-10 हजार का मैचिंग हो गया, तो उनको जो आपको मिला वो अगले हफ्ते उनको मिलना चाहिए, 1200 रुपया वो मिलेगा, लेकिन आपकी भी टोटल होगी उसके साथ साथ, आपकी टोटल हो गई दोनों साइड में 44,000, तो आपको 44,000 का 12% 5,280 रुपये। मैंने मैं मेरे दोस्तों को फायदा करके दूं तो मेरा भी फायदा होता है, पहले उनका होता है फिर मेरा होता है, अच्छा है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा बहुत खुश हो गया। फिर तीसरे हफ्ते में मैंने ऐसा सोचा थोड़ी ना 10-10 हजार ऐसा होगा, दोनों साइड में कम ज्यादा हो सकता है, तो एक साइड में समझो 1,75,000 हो गया, दूसरी साइड में 1,50,000 हो गया, तो क्या करती है कंपनी, तो उन्होंने बोला भाई प्रॉब्लम नहीं है, जो छोटी साइड है उसका 12% देती है, मैंने 1,50,000 का 18,000 दे दिया। तो मैंने बोला हाँ यही आइडिया है क्या, क्योंकि जो 25,000 लगती है ये भी मैंने किया था, लेकिन उसका तो कुछ दिया नहीं, कंपनी ने खा लिया क्या? वो बोलती है खाने वाली कंपनी नहीं है, आपके अकाउंट में रखती है, कैरी फॉरवर्ड करती है अगले हफ्ते। माने क्या अगले हफ्ते भी धंधा होगा कि नहीं लगती होगा ना, तो 2,25 और 2,90 का समझो धंधा हो गया अगले हफ्ते में, तो ये 25 जो बचा है मुझे वो ऐड करके आपका टर्नओवर पकड़ा जाएगा संतोष जी 2,50 और 2,90। अभी छोटी साइड कौन सी संतोष जी? 2,50। अभी 2,50 का 12% मिलेगा, 30,000 रुपया देगा। अभी मुझे बोलना यहाँ पे 30,000 हफ्ते का आया, आपको कितने लोग वापस काम पे भी जाएंगे? कोई नहीं जाएगा ना सर। 40 की उम्र में चालू किया था और 2007 को फेब्रुवरी 28 को अगले महीने 28 तारीख को मैं
17 साल पूरे करूंगा जॉब पे नहीं गया। सत्रह दिन हुए थे ना, कभी लोग मुझे पागल जैसा देखते थे। मैं जब बोलता था कि 17 दिन हो गए जॉब छोड़, आज कोई मिलता है तो 17 साल उनको डाउट आया तो आईने में जाके देखते हैं, लोग तो मिल जाता पागल को क्योंकि लीगल है, एथिकल है, ऑनेस्ट है। एक बंदा मेरे से उंगली नहीं उठा सकता है कि तुम्हारे वजह से पैसे है, क्योंकि उसने जो 10,000 दिए उसको 12,000 के प्रोडक्ट देखे बैठ गया, एक पैसे का नुकसान किस कर। अभी दूसरे हफ्ते में प्रणीता मैडम ऐसा होगा 250 माइनस करके 40,000 बच गए तो कैरी फॉरवर्ड करेगी कंपनी। मैंने उसको बोला, वो बोली तुमको तो समझ में आया, फिर अपन मराठी ना संतोष है तुम्हें पढ़ना, हाँ मराठी आप अपने मराठी भेजा में जरा प्रश्न पूछते आंसर नहीं। तो मैंने ना उसको स्माइल किया बहन और उसको बोला अगले हफ्ते कुछ नहीं हुआ तो बोले कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कैरी फॉरवर्ड होगा वापस। मैं बोला वो भी हफ्ते में कुछ नहीं हुआ तो कैरी फॉरवर्ड होगा। मैं बोला वो भी हफ्ते में कुछ नहीं हुआ तो कैरी फॉरवर्ड होगा भाई, वापस कुछ नहीं हुआ तो सुबह बोल ना रहा। ऐसा बोल सकते हैं कभी क्लाइंट ही नहीं आया तो आपके पास नहीं ना, दुकान घर शटर खोला है और अंदर बैठे हैं, क्लाइंट तो आए ना कहीं ना कहीं, लेकिन हमने शटर ही नहीं खोला तो नहीं आया। तो मेरे को शटर खोल के बैठना है तो आए होकर, और ऐसे करके आज वो बोली। मैं बोला कितना दिन कैरी फॉरवर्ड होएगा, तो बहन ने जो जवाब दिया वो पागल हो गया। वो बोली भाई दिन नहीं, हफ्ते नहीं, महीने नहीं, साल भी नहीं, पूरी जिंदगी भर तुम्हारी अकाउंट में पड़ा रहेगा, जब चाहे काम कर। मेरे पीछे बॉस नहीं, 1,000 का करूँ तो 1,000 का 12%, 50,000 का करूँ तो 50,000 का 12%, 1,00,000 का करूँ तो 1,00,000 का 12%। लेकिन फिर ये स्टेटमेंट की वजह से और एक सवाल आया दिमाग में कि भाई इसका मतलब सबको 12% दिया तो कंपनी के कितने बजेंगे, है ना, वो भी है। तो वो बोली उसकी भी तजवीज की है कंपनी ने, जैसा जैसा आपका वॉल्यूम बढ़ता है 12% बढ़ते जाएगा, लेकिन एक जगह पे ऐसा होगा कि आपका वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा हुआ है। मैं एग्जाम्पल के लिए बोलता हूँ, मेरी जो बहन है, छोटी बहन जिन्होंने मुझे लाया, जो मेरी गुरु है, आज हफ्ते का टर्नओवर सर 3 से 4 करोड़। और वो खुद भी आएगी, सिर्फ उसकी डिस्कवरी 75,00,000 की लेके आएगी जो स्टेज पे। एक ही बार बोला ना,
ही में दर्द है। प्रकृति लाल विधायक ने मंथली लिखा है, मंथली मैंने महीने का एक बार, महीने का एक बार, तो साल में कितनी बार? बारह। यही प्रॉब्लम है। आपको किसने बोला महीने के बारह, मैंने साल के बारह महीने रहते हैं? बचपन में सिखाया, इसके लिए आपको लगता है हमने उसके महीने बदल के रख दिए। हमारे यहाँ पे महीना जनवरी फरवरी नहीं है, हर चार हफ्ते में महीना बदलता है। तो क्या होता है पता है, साल में 52 हफ्ते आते हैं तो महीने 13 आते हैं, 13 बार। दिवाली मच जाती है, अभी 13 बार बोनस मिलने लगा तो हर महीना मजा आया। बहुत अच्छा लगा था मुझे। और फिर उसके बाद डायमंड की रॉयल्टी भी है, जो आज जो आ रहे हैं वो ये कमा रहे हैं। आज जो आ रहे हैं ना यहाँ पे चीफ गेस्ट, वो कमा रहे हैं। राजन सिंह सर बहुत अच्छे स्पीकर है, सुनते ही रहेंगे आज। 3 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी है मेरी लेवल पे, मेरी रैंक के सर 7 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी है। और आपके लिए सब मैंने भी, मेरी वाइफ की इसमें, मेरा बेटा की इसमें, मैं भी इसमें, मैं सोचा मैंने कर दिया मेरा जो हुआ एकदम एकदम बहुत अच्छा लगा। तो मैंने दिखाया था प्लान, लेकिन एक एडिशनल बेनिफिट भी है, आज अभी चालू है। कितने लोग हैं जो यहाँ पे कभी घूमने के लिए फॉरेन गए नहीं है? कितने लोगों को अगर जाने को मिला तो मजा आएगा, और पॉकेट में जाने को मिला और मजा आएगा। दोनों मैंने उठाया ना, दोनों हाथ उठाए। पॉकेट है यार, एक को जाने के लिए दूसरा पॉकेट नहीं। और हमारी कॉन्टेस्ट चालू है कुलकर्णी साहब, चलो थाईलैंड 100% फ्री। अभी तो फ्री रहेगा ना, उसमें कैच रहेगी, कैच। तो हमारे इधर क्या दिखाता हूँ मैं, क्या क्या फ्री मिलेगा आपको? जाना आना रहना खाना वीजा एक्सपेंस और सिटी टूर सब कुछ फ्री, खाली शॉपिंग के लिए पैसा खर्चा करना है तो करो, वो भी कमा के देखा। इतने लोग जो है वो थाईलैंड में घूम के थोड़ा सा वर्चुअली आना चाहिए अभी इधर किसी वक्त, तो मैं थाईलैंड दिखाता हूँ आपको। थाईलैंड दिखाऊंगा, प्लेन आएगा, प्लेन में बैठ लेना, आंखें बंद करके प्लेन उड़ा लेगा आपको, है ना? यस, थाईलैंड आया, अभी प्लेन भी आएगा। थाईलैंड बहुत लोगों को लेके जा रही है, 8 महीने की कॉन्टेस्ट है, आराम से आप सब लोग अचीव कर सकते हैं। और ये सब कुछ करेंगे कैसे? प्रोडक्ट लेके, प्रोडक्ट लिया एक बार डिस्ट्रीब्यूटर बन गए पूरी जिंदगी भर के, एकदम जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन इसके बाद में देखा कि ये प्लान अट्रैक्टिव है कि सुपर अट्रैक्टिव है? सुपर अट्रैक्टिव है, है ना? मैं इसको भी टिक मार्क करूं, जरा अनुमति देना सारे लोग। यस, अनुमति दिया, मैंने टिक मार्क किया इसको भी। अभी शुरुआत की थी, हमने बोला था कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन में 6 चीजों को चेक करने के लिए बोला है, और ये 6 की 6 चीजें हमने और आपने मिलके, दोनों ने मिलके टिक मार्क की। मैंने दूसरी भाषा में क्या बोल रहे, ये कंपनी अच्छी है कि बहुत अच्छी है? तो ये बहुत अच्छी वाली कंपनी का नाम क्या है? तो हमारी कंपनी का नाम है माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्रुप। इंडिया के तहे काम करते हैं,
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत काम करते हैं और हमारे 75,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स को उससे भी ज्यादा ये स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट मिला है, जहाँ पे 3 लाइन का सत्यमेव जयते का स्टैम्प है। एकदम लीगल 100% एकदम मस्त। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद बहुत अच्छा लगा था, लेकिन ये जब देखा रात की नींद उड़ गई, जो मैं बोला था ना मेरी रात की नींद नहीं आई, तो ये चीज देखी थी और पागल हो गया था मैं, और आज आपको बोलूंगा वही चीज। यहाँ पे कोई कपल आया है पहली बार फर्स्ट टाइमर कपल आया है, कपल हस्बैंड वाइफ, वो तुम्हें कपल आज वो तुम्हें मजे का बचता तुम अंडा वो सासू भाई है मेरी फैमिली वाला है, मैंने सुना था कबाब में हड्डी है तो दोनों है हस्बैंड वाइफ है भाई, जबरदस्त वेरी गुड। कोड़े माने घोड़े, जीओ नहीं है घोड़े, मैंने बोर्ड बोलता था घोड़े घोड़े, हाँ यस वेरी गुड। आता तुम्हारा सीधा रहते पर उठले, तुमका नाम है हाँ बड़ो कलो माला के बोलते ना हाँ कलो माला तुम्हारा माइक ना गौरव है बात तुम्हें हाँ तुम्हें सांग तुमका नाम है दीपक। आज से ये नया दीपक माय लाइफस्टाइल का घर में लगाएंगे, जहाँ से सपने पूरे होंगे। सुप्रिया, सो दीपक और सुप्रिया संतोष और अभिनंदन कर देंगे, संतोष और प्रणीता यस। मैं जरा 3-4 सवाल करूंगा इनको, जवाब सब ये देंगे, लेकिन सब लोग ये सवाल का जवाब अपने मन में देना, जोर से नहीं देना। तो मैं सवाल करता हूँ संतोष जी, ये मैंने भी जवाब दिए थे इससे, और नीचा नहीं दिखाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन सीरियस भी कर रहा हूँ। सर आपका जॉब है और आप है इसीलिए पैसा आ रहा है, करेक्ट है ना दीपक जी? माने कल अगर जॉब या आप दोनों में से एक भी नहीं रहा तो कितना घर पे आएगा पैसा? कुछ नहीं आएगा, करेक्ट है? माने इसका मतलब, और आप कल रहेंगे ही, इसकी कुछ गारंटी है? कुछ गारंटी नहीं, इसीलिए हम इंश्योरेंस लेते। और कल कुछ हो गया तो फिर इनकी गारंटी तो नहीं है, तो इनकी करोड़ों की व्यवस्था करके रखी होगी ना, संतोष जी कैसे करेंगे? करेगा ना दीपक जी? नहीं कह रहा, कुछ हो गया खुदा ना खास तो कोई केयर लेने वाला कोई है जो जिंदगी भर केयर लेगा फैमिली की? कोई नहीं, माने रिस्क टेकिंग करना है। और ऐसी कोई गारंटी नहीं है ऐसी दुनिया में, माय लाइफस्टाइल गारंटी देती है आपको नॉमिनेशन फीचर्स। नॉमिनेशन आज हर जगह पे है, इंश्योरेंस में, बैंक अकाउंट में, सब जगह पे है, लेकिन हमारा नॉमिनेशन पैसा चलता है वो दिखाता हूँ। यहाँ पे सारी चीजें अलग ढंग से चलती है। स्टोरी लेके बोलता हूँ क्योंकि हकीकत बहुत इंपॉर्टेंट है, मनगढ़ंत स्टोरी नहीं है, सही में हुआ पर इंसिडेंट है। हमारे साथ एक दत्ताराम बकालकर करके सर थे, मीरा रोड में रहते थे अपनी वाइफ प्रियांजलि और अपना बेटा प्रथमेश के साथ, छोटा सा बिजनेस करते थे, सेल्फ एम्प्लॉयड थे। और उनको उनके एक दोस्त ने अजित तुकाराम सावंत, उनका हम प्यार से हम ATS बुलाते हैं, उन्होंने ये बिजनेस दिखाया था 14 अगस्त 2013 को। वो वाइफ के साथ नहीं आए थे, जैसे आज आप अकेले आए हो वैसे वो अकेले आए थे। तो अकेले आए तो देखा बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाद में उनके दिमाग में सोचा ही वाइफ घर पे उससे बात करते और फिर चालू करते। अभी प्रणीता मैडम ये अगर संतोष जी आज अकेले आते थे घर में आते थे और बोलते थे वो मैं माझी आई घूम गेली बोलते 30,000 घर आणि तुझा एकदम बिजनेस 2,10,000 हप्त्याचे सांगितले ना, हाँ तो तुम्ही असं बोलला सर तुम्ही नसा इथे आला जाऊ देऊ नाही ना 30,000 काही येणार कसे काही आला असं बोलला सर बोलले असते असं नाही ना चोप दिवस तुम्ही एवढे भोळे ना तुमच्या आईला कोणीतरी घडलं असेल आणि नक्की आपल्याला घडलं असं काही नाही काहीच वर्ड झालं बराबर ना दीपक जी? तो उनको भी उनकी भाई वैसे ही बोली नहीं करने का, अभी एक जनता है वो जमता नहीं है, टाइम नहीं तुमको हमारे लिए, अभी ये भी चालू करेंगे तो अपने लिए कुछ निकल आए नहीं, बराबर है कि नहीं? ऐसे कुछ ना कुछ है कि नहीं? कुछ तो बोलते है, कुछ वाइफ कुछ भाई लोग वगैरह ऐसे बोलते, तुला काय होणार नाही रे चांगला धंदा, पण तुला काय नाही तुझ्या चाने काय होऊ शकत नाही, उनको कॉन्फिडन्स रहता आपको। तो उनकी वाइफ ना बोली, लेकिन वाइफ
नहीं ना बोलने के बावजूद उन्होंने चालू किया था प्रगिता मैडम, क्योंकि उनको लगा था कि इधर नुकसान नहीं है, मैं पैसे नहीं ले रहा हूं, मैं प्रोडक्ट ले रहा हूं। और चालू किया, दो साल किया, 350 लोगों की टीम बनी और 350 लोग अभी सामान ले रहे थे हर महीने का, और ये 350 लोग सामान लेते थे तो उसका 12% उनको मिलना चालू हो गया था। लेकिन किसी ने मालूम नहीं था किसी को भी दो साल के बाद क्या होने वाला है। और 2 अगस्त 2015 को, आज से 8 साल पहले, सवेरे सवेरे 6 बजे उनकी डोरबेल बजी थी, डिंग डॉग। दत्ताराम जी ने खुद उठ के दरवाजा खोला था सर, बाहर दूध वाला खड़ा था, वो दूध वाले से दूध की बैग ली और अपनी वाइफ को दी, प्रियांजलि मैडम को, अपनी वाइफ को दी प्रियांजलि मैडम को। और प्रियांजलि मैडम ने शोहर के हाथ से वो बैग ली, अंदर चली गई, चाय बनाई और 5 मिनट के बाद प्याली में भर के चाय बाहर लाई। कभी चाय पीने को दत्ताराम जी जिंदा नहीं थे। मैसिव कार्डियक अरेस्ट ऑन द स्पॉट डेथ। और कोई ऐसा होता है ना, बाहर अहमदाबाद में 10 लोग मरे गरबा खेलते खेलते, हमने देखा, पेपर में पढ़ा, चाय पीते पीते पढ़ा, लेकिन जब अपना कोई जाता है ना, बहुत चुप जाता है। बसाना नारायण से बात तब उड़े उठता है आपके जे स्कूल मध्ये काम करता है, आम्हाला सॉलिड आम्हाला मदत करतात है कि नहीं। तो बहुत सदमा हुआ था उनको, वाइफ को समझा ही नहीं था क्या हो रहा है, अभी है अभी नहीं है। अंधक कहाँ है सामने, जरा सोचो, जरा विजुलाइज करने की कोशिश करो। बहुत लोग मिलने को आए, बोले अच्छा हो जाएगा सब। कैसे अच्छा होगा सर जब कमाने वाला चला गया तो? और फिर हमारी कंपनी मैनेजमेंट आई थी, मैनेजमेंट ने उनको बोला था हम भगवान नहीं है, उनको नहीं ला सकते वापस, लेकिन हमारी एक सिस्टम है नॉमिनी, और आपका नाम मैडम उन्होंने दिया था नॉमिनी में, और हमारे सिस्टम के मुताबिक पूरा धंधा पूरा बिजनेस हम आपके नाम पे ट्रांसफर कर रहे हैं। आज कविता मैडम 8 साल हो गए गुजर के हस्बैंड, और 8 साल में 1 हफ्ता ऐसे नहीं गया जब इनकम घर पे नहीं आया। पर बकायदा मैडम आज जब कभी आते हैं नहीं घर तो हमेशा बोलती है कि मैं बोल रही थी उनको मत करो, मैंने बोला था उनको मत करो, उन्होंने सुना नहीं, और उस दिन उन्होंने मेरा सुना नहीं, इसीलिए आज मुझे किसी और का सुनना नहीं पड़ता, मेरे पीछे मार लो। अब ये सब सुना नहीं, तब मुझे ये याद आया, फ्रेंचाइज वर्सेस प्राइवेट फ्रेंचाइज, मैंने जो शुरुआत की थी, रे क्रॉक 40 बरस हो गए जाके आज भी पैसा कमाते हैं, दत्ताराम जी हमारे 8 साल हो गए गुजर गए, आज भी पैसा आता है, हर हफ्ते आता है। रे क्रॉक आज भी नए 2 दुकान खुलता है रोज, दत्ताराम जी तभी चले गए तभी 350 की टीम थी, जो आज 5000 से ज्यादा हो गई है। हर दुकान से 4% लेता है दुकान वाले की जेब से, माय लाइफस्टाइल में हर मैचिंग पे 12% मिलता है, किसी आदमी के जेब से नहीं, कंपनी के जेब से। उसके जैसा लेकिन उससे भी बेहतरीन, कैसे पता है? रेड रॉक मैकडोनाल्ड लेना है आपको तो 96% के लिए लेना है तो भी 10 करोड़ जेब में चाहिए, और माय लाइफस्टाइल को 10,000 में चालू होता है यार। मैं इतना एक्साइटेड हूँ ये बिजनेस के लिए जैसे सचिन इतने साल के बाद क्रिकेट के लिए एक्साइटेड है। आज ये पूरे हॉल में अगर एक ने भी बराबर सुना है, मेरी नजर से देखा है, सोचा है मेरी सोच से, और वो करता है चालू 2 से 3 साल के बाद, वो जब कुछ रैंक पे आता है इधर आके बोलता है कि मैंने इनसे एक प्लान देखा था, सर आप मुझे दुआ देंगे या बद्दुआ देंगे? दुआ देंगे, और जो पैसा दुआ से आता है ना वो हमेशा बरकत लाता है।